फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तशमीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको इस वीडियो में दो खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये देखिए, मैंने स्लीव्स की कटिंग जो है मैं पहले से की हुई है, और जो मेरी स्लीव्स की मोहरी है उससे भी मैंने पहले से सिलाई लगा ली हुई है उस पर। अभी मैं ये स्लीव्स के ऊपर एक 8 इंच का निशान लगाऊंगी। उसको ओपन करके सेंटर से एक सीधा निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने एक सीधी पट्टी ली हुई है, इस सीधी पट्टी के ऊपर ये स्लीव्स रखूँगी और मैं ये सिलाई लगा लूँगी। जो मैंने निशान लगाया हुआ है उसको मैं सेंटर में रख के ये सिलाई लगाऊँगी, और जो मेरी दोनों सिलाई होगी उन दोनों के बीच में 1 फुट का गैप होगा। अभी मैं ये कट कर लूँगी। ये मुझे कटिंग ध्यान से करना है, ये मेरी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसको अंदर की तरफ मोड़ के मैं ऊपर दाब सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी उसके ऊपर। मैंने सिलाई लगा ली है, जो स्लीव्स का जो कट है उसके ऊपर मैं आधे आधे इंच का निशान लगा लूँगी दोनों तरफ। यहाँ पे मैंने एंकर थ्रेड यूज़ किया है। अब जो मैं पहला निशान है उसमें मैं सुई निकालूंगी, एक निशान छोड़ के दूसरे में से मैं सुई निकाल लूँगी। अब जो सामने वाला निशान है अब उसमें से सुई निकालूंगी। अब इसके अपोजिट साइड में जो है क्रॉस में उसमें से निशान ये सुई निकाल लूँगी। ये मेरा बनने के बाद कुछ एक्स की तरह दिखेगा। इसी तरीके से मैं ये डिज़ाइन आगे भी बनाऊंगी।
ये देखिए मैंने 3 एक्स बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से अब मैं नीचे तक पूरा एक्स बना के कंप्लीट कर लूँगी। इस डिज़ाइन को मैंने ये एक्स बना के पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा 2 एक्स के बीच में मैं ये छोटी छोटी मोतियाँ लगा लूँगी सुई के मदद से। देखिए मैंने 2 मोती लगा ली है। इसी तरीके से मैं सारे में मोती लगा लूँगी एक्स के बीच में। बनने के बाद ये स्लीव्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरी सेकेंड स्लीव्स डिज़ाइन में बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स है वो मैंने पहले से कटिंग की हुई है, और जो मेरी स्लीव्स की मोहरी है उसी की सेम साइज मैंने नी लेंथ लेके एक पट्टी मैंने पहले से काट ली है। ये जो मेरी पट्टी है उसकी मैंने चौड़ाई 5.5 इंच पे रखी है। अभी इसको बीच से मोड़ के मैं ऊपर की तरफ मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगी, और इसकी चौड़ाई भी मैं 2 इंच का निशान लगाऊँगी। अभी निशानों को मिला के एक 5 शेप में डायग्राम ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की तरफ सीधा निशान लगा लूँगी। अभी इसी कपड़े को मैं ऐसे ही डिज़ाइन में कट कर लूँगी जैसा मैंने निशान लगाया है, और ऊपर की तरफ मैं सीधा कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पहले से डोरी बनाई हुई है, इसको छोटा छोटा कट कर लूँगी। अभी इसी पे डोरी को लूप्स बना के इसी पे मैं लगा लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट पे भी ऐसी लूप लगा लूँगी। अब मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है, उसके दोनों के मैंने नीचे जो है वो राइट साइड है। अब उसके ऊपर मैं ये रखूँगी और ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल दूंगी मैं। अभी मैं इसको सीधा कर लूँगी, इसको मुझे अच्छे से सीधा करना है। बाद में मैं इसको प्रेस कर लूँगी, प्रेस करके इसको अच्छे से बैठा लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने डोरी वाली पाइपिंग पहले से बनाई हुई है। जो मेरी बंद वाली साइड है वहीं पे ही मुझे ये पाइपिंग लगानी है, खुली वाली साइड पे मुझे पाइपिंग नहीं लगानी है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पे भी पाइपिंग लगा के उसको रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों को रेडी कर लिया है पाइपिंग लगा के। अभी जो मेरी स्लीव्स है उसको मैं सेंटर से मोड़ूँगी,
और एक निशान लगा लूँगी उसके ऊपर। अभी ये मेरी स्लीव्स की रॉन्ग साइड है और ये जो मेरा पैटर्न है उसके नीचे जो है वो राइट साइड है, और जो मैंने निशान लगाया उसको सेंटर में रख के ये दोनों को रख लूँगी बीच में, और ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। अभी मैं राइट साइड इसको टर्न कर लूँगी। अभी इसके ऊपर मैं ये राइट साइड का टर्न करने के बाद मैं इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे मैंने दो पोटलियाँ पहले से बना के रखी हुई है। अभी जो मेरा लूप्स है इस पोटली को वहाँ पे मैं ये नीडल की हेल्प से वहाँ पे स्टिच कर लूँगी इसको। इसी तरीके से मैं दूसरी पोटली भी लगा लूँगी। ये देखिए मेरा स्लीव्स बन के रेडी हो गया है। स्लीव्स रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको हमारी आज की स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं।